यूनिवर्सिटी द्वारा विद्यार्थियों हित में करवामां आवेला फेरफारों ने लईने माहिती आपता जणाव्युं कि राष्ट्रीय शिक्षण नीति अन्वये देशना युवानोने गुणवत्तायुक्त शिक्षण आपवामां आवी रह्युं छे। केन्द्रीय यूनिवर्सिटी में सर्वग्राही जे छे सर्वग्राही शिक्षण आपवामां आवी रह्युं छे। अनुस्नातक स्तरे दरेक सेमेस्टर में बे क्रेडिट कोर्स अने दाखल करवामां आवता होय छे, जेने कारणे विद्यार्थियों ने संपूर्ण शिक्षण मळी रह्युं छे। बे क्रेडिटना 16 मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम दाखल करवामां आव्या छे। क्लासरूम शिक्षणनी साथे साथे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम माटे पण ऑनलाइन शिक्षणनी व्यवस्था करवामां आवी होवानुं कुलपति दुबेए माहिती आपी हती। जैसा कि आप सबको विदित है, आज से लगभग 3 वर्ष पहले 29 जुलाई सन 2020 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्ववर्ती शिक्षा की नीतियों से काफ़ी अलग है। ये वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें कई प्रकार के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने की व्यवस्था है, जिससे हमारे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, उनकी बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो सके। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ मूलभूत बिंदुओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में और पूरे देश के स्तर पर किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है। उसमें प्रमुख बिंदु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत है होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसका अर्थ हुआ छात्रों का सर्वांगीण और बहुमुखी विकास। इसमें सर्वांगीण विकास का तात्पर्य यह है कि जो हमारी पहले प्राचीन जो गुरुकुल की परंपरा थी, गुरु शिष्य की परंपरा थी, जहाँ की गुरु शिष्य के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पित रहता था, शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक विकास, इसको हम सर्वांगीण विकास कहते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि हम अपने पाठ्यक्रम में, चाहे विद्यालय का पाठ्यक्रम हो चाहे उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम हो, हम इस प्रकार के विषय वस्तु चुनें जिसे कि भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय मूल्य, भारतीयता, राष्ट्र प्रेम, अपने पर्यावरण के प्रति प्रेम, ये सब बिंदु उसमें समाहित हों। अने समाचार जो है तो राजकोट रेंज आईजी अशोक कुमार यादव जे जामनगर की मुलाकाते आव्या हता।